हेलो भाइयों, मैं सचिन संसनवाल, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फौजदार मोटर्स में। और आज की वीडियो भाई कुछ ज़्यादा ही खास होने वाली है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्कॉर्पियो के बारे में। अगर आप देख पा रहे हो तो ये स्कॉर्पियो भाई बेस मॉडल स्कॉर्पियो और S11 में कन्वर्ट करवा रखी है। आज हम इसके बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं। तो गाड़ी भाई बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा गदर लग रही है। एक बार मैं इसका आपको दिखा देता हूँ कि कैसी लग रही है गाड़ी। ये देखो, ये अभी 2-3 दिन पहले ही ली है भाई गाड़ी और इसमें फुल ऑफ मॉडिफिकेशन करवाई है भाई ने। काफ़ी ज़बरदस्त लग रही है गाड़ी और मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या क्या इसमें मॉडिफिकेशन करवाई है, क्या क्या एसेसरीज में लगवाई है भाई ने आफ्टर मार्केट। जैसा कि आपको पता है कि बेस मॉडल तो बिल्कुल ऐसा ही आता है, मतलब कुछ नहीं आता उसमें, रूफ रेल्स वगैरह बस ऐसे ही सिंपल सा ही आता है। तो इसमें मतलब कि बिल्कुल S11 ही लग रही है भाई ये देखने में, ना कोई बता नहीं सकता कि ये बेस मॉडल है। तो फ्रंट से शुरू करते हैं कि फ्रंट से कैसी लगती है गाड़ी। कुछ ऐसी फ्रंट से लगती है, यहाँ पर जो बेस मॉडल आता है उसमें ये क्रोम वाली ग्रिल नहीं आती, भाई ने क्रोम वाली ग्रिल इसमें करवाई है। अगर बात करें भाई इसके हेडलैम्प्स की तो इसमें HID प्रोजेक्टर भाई ने इंस्टॉल करवा रखे हैं। और नीचे अगर बात करें इसके फॉग लैंप्स की तो ये LED में फॉग लैंप आप लगवा रखे हैं भाई ने, जो काफ़ी बढ़िया है, इसकी लुक को काफ़ी इनहेंस कर रहे हैं। मतलब काफ़ी ज़बरदस्त लग रही है यार गाड़ी देखने में ना। अगर साइड प्रोफाइल से मैं बात करूँ इसकी तो 18 इंच के इसमें अलॉय करवा रखे हैं भाई ने, जो काफ़ी मतलब मस्त ट्रेंडिंग अलॉय करवा रखे हैं, जो काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं देखने में। ये बस एक ही इसमें कमी है, मतलब कि ये जो आप देख पा रहे हो ना इंडिकेटर फेंडर पे, यही बता रहा है कि बस ये बेस मॉडल है, नहीं कहीं से भी मतलब पता ही नहीं चल रहा कि ये बेस मॉडल गाड़ी है। काफ़ी ज़बरदस्त लग रही है गाड़ी देखने में। ये कुछ ऐसी यहाँ पे रूफ रेल्स हम महिंद्रा की ओरिजिनल लगवा रखी हैं, ये इसमें आती नहीं है बेस मॉडल में। ये कुछ ऐसी लग रही है गाड़ी। अब पीछे की बात करूँ अगर मैं, पीछे से कैसी लगती है गाड़ी तो देख लो, पीछे से कुछ ऐसी ही गाड़ी लग रही है। काफ़ी मतलब इस पे भाई ने S11 की बेजिंग लगवा रखी है, स्कॉर्पियो S11 की, यहाँ पे S11 की बेजिंग लगवा रखी है, माइक्रो हाइब्रिड की बेजिंग है इधर। ये इसमें भाई ने कैमरा इंस्टॉल करवा रखा है, यहाँ पे रिफ्लेक्टर्स हैं। और मतलब यार गाड़ी मतलब कोई बोल ही नहीं सकता, ये बेस मॉडल है गाड़ी, काफ़ी ज़बरदस्त। और डिसेंट इसमें मॉडिफिकेशन करवा रखी है भाई ने, ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसे ही खामा खा कि ज़्यादा पैसा लगा रखा है, बिल्कुल डिसेंट मॉडिफिकेशन इसकी करवा रखी है। यहाँ आपको यहाँ पे ऊपर ये स्पॉयलर लगवा रखा है, महिंद्रा का ओरिजिनल स्पॉयलर है ये, इसमें स्पॉयलर वगैरह आता नहीं है। तो ये कुछ ऐसी गाड़ी लग रही है भाई ओवरऑल, मतलब गाड़ी काफ़ी ज़बरदस्त जम रही है भाई गाड़ी देखने में ना, एक अलग ही लुक निकल के आ रही है सामने गाड़ी की। मैं दिखाता हूँ आपको इसके इंटीरियर में कि इंटीरियर में इसमें क्या क्या करवा रखा है भाई ने। तो चलिए इंटीरियर में चलते हैं। ऐसी कुछ की है भाई इसकी, ये एक नॉर्मल की मिल जाती है और एक भाई ने रिमोट की बनवा रखी है इसकी आफ्टर मार्केट, रिमोट से ही लॉक अनलॉक ये हो जाती है। एक बार इसको अनलॉक करते हैं, ऐसी कुछ ये आवाज़ करती है। चलिए अंदर बैठ के बात करते हैं। यहाँ पे चारों पावर विंडो के कंट्रोल मिल ही जाते हैं, यहाँ पे स्पीकर वगैरह की मिल जाती है। अगर बात करें ना भाई इसके सीट्स कवर की तो महिंद्रा के ओरिजिनल सीट्स कवर भाई ने डलवा रखे हैं, बिल्कुल ओरिजिनल लेदर में, काफ़ी ज़बरदस्त लग रहे हैं ये, बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं देखने में। ओरिजिनल वाले हैं भाई, ऐसा कुछ इसका इंटीरियर लगता है देखने में। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो टॉप मॉडल में यहाँ पे कंट्रोल वगैरह आते हैं दोनों तरफ, ये भाई ने मतलब कि ऑर्डर कर रखे हैं, कल तक शायद आ जाएंगे, यहाँ पे कंट्रोल भी लग जाएंगे, मतलब छोड़ ही नहीं है भाई ने कोई भी कमी, S11 ही बना के छोड़ेंगे इसको। चलिए एक बार अंदर बैठ के मैं बात करता हूँ। तो भाई ये म्यूज़िक सिस्टम इसमें टच स्क्रीन लगवा रखा है भाई ने, जो काफ़ी मस्त है। मतलब कितने इंच का ये भाई से पूछेंगे। ये बस इसमें ये दिक्कत है यहाँ पे थोड़ी सी कि इसमें ये ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी नहीं आता, मैनुअल एसी आ जाता है, ये थोड़ी सी इसमें दिक्कत है। और ये IRVM मतलब और तो कहीं से आप पता ही नहीं लगा सकते भाई। ये जो मिरर को सेट करने के लिए होते हैं ये भाई, इनको भी चेंज करवाएंगे। बाकी इसको 2-3 दिन हुए हैं, आज इसकी मॉडिफिकेशन करवाई है भाई ने, बाकी कल भी करवाएंगे इसकी मॉडिफिकेशन, कल और मतलब बहुत सारा काम है। ये इसके कंट्रोल वगैरह आ जाएंगे जो भी है। तो कुछ ऐसे इसके सीट कवर लग रहे हैं, काफ़ी मस्त ज़बरदस्त लग रहे हैं देखने में। चारों पावर विंडो के कंट्रोल तो मिल ही जाते हैं इसमें बेस मॉडल से ही। तो कुछ ऐसी लगती है गाड़ी आगे से सामने से देखने में। ये कुछ पीछे भाई ने ऐसे सीट कवर लगवा रखे हैं, यहाँ पे ये येलो लाइट मिल जाती है आपको। ये ऐसे इसके सनवाइज़र हैं,
काफ़ी मतलब बढ़िया लग रही है गाड़ी देखने में ना भाई, मतलब बोल ही नहीं सकता कोई बेस मॉडल में हम बैठे हैं, या पीछे भी एसी वेंट्स मिल जाते हैं ऐसे कुछ भाई ने ये कवर मैट डाल रखे हैं भाई। इसका सेकंड पार्ट भी आएगा, ये पार्ट वन है इस वीडियो का। सेकंड पार्ट में हम ओनर से ही पता करेंगे कि मतलब इसमें कितना क्या खर्चा आया है, कि जो भी कुछ है सारा कुछ पता करेंगे कि कितना इसमें खर्चा आया, अलॉय वगैरह जो जो मॉडिफिकेशन इसमें हुई है सब कुछ के बारे में। पीछे से भाई कुछ मतलब म्यूज़िक सिस्टम भाई ने बहुत हैवी वाला लगा रखा है, और मतलब एक वीडियो में इसके म्यूज़िक सिस्टम पे भी डालूंगा कि कैसी इसकी आवाज़ है, मतलब देखना आप। पार्ट थर्ड में डालूंगा, पार्ट सेकंड में इसकी मतलब कि जो जो मॉडिफिकेशन हुई है कितना क्या खर्चा आया वो सारी चीज़ मैं इसमें डालूंगा। पार्ट फर्स्ट में और पार्ट सेकंड में मतलब कि खर्चा डालेंगे। पार्ट तीन बनाने वाला हूँ भाई मैं, ये पार्ट वन है। पार्ट वन में ये मैंने आपको दिखाई है कि क्या क्या इसमें मॉडिफिकेशन हो रही है, पार्ट टू में जो जो मॉडिफिकेशन हुई है उसमें कितना खर्चा आया वो दिखाने वाला हूँ, और पार्ट थर्ड में जो आएगा वो आपको इसका म्यूज़िक सिस्टम है ना जो, उसको चेक कराऊंगा कि कितना ज़बरदस्त इसका म्यूज़िक सिस्टम है। तो भाई ऐसी कुछ वीडियो थी, पार्ट सेकंड आएगा इसका, पार्ट सेकंड देखना ना भूलें। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।